किसान भाइयों, आज मैं इस अरंडी के खेत में आया हूं और अरंडी के खेत में जैसे ही मैं अंदर घुसा तो मुझे ये लगा कि ये जो समस्या है ये आप लोगों को बताना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप अरंडी के किसान हैं तो इस समस्या को आप हल्के में ना लें, जिसके कारण से ये पत्ता सिकुड़ने लगता है और सिकुड़ करके बिल्कुल ऐसे हो जाता है, यानी कि मुड़ करके कटोरी नुमा हो जाता है, प्याले नुमा हो जाता है और धीरे धीरे ये पत्ता क्या होता है, ये पीला पड़ना शुरू होता है। पीला पड़ते हुए ये बिल्कुल काला पड़ जाता है और काला पड़ने के साथ में ही कहीं ना कहीं जो आपके जो पौधा है वो बीमार हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिसके कारण से इसकी पैदावार पर भी पूरा प्रभाव पड़ता है। ये क्या करते हैं, जैसे ही आपका सिट्टा शुरू होता है तो उसके अंदर जैसे ही ये जो फूल आने शुरू होते हैं तो इन फूलों को भी वो डैमेज कर देते हैं, जिसके कारण से पूरी तरीके से ये फूल विकसित नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण से कहीं ना कहीं डोडी भी कम आती है, सिट्टा भी कमजोर रह जाता है और पौधा भी आपकी कमजोर रह जाता है, जिसके कारण से फुटान कम आती है और पूरी कुल मिलाकर के पैदावार बिल्कुल कम हो जाती है या कई बार शून्य भी हो जाती है। किसान भाइयों नमस्कार, मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से हमारे खेतीबाड़ी के YouTube चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज मैं इस अरंडी के खेत में आया हूं और अरंडी के खेत में जैसे ही मैं अंदर घुसा तो मुझे ये लगा कि ये जो समस्या है ये आप लोगों को बताना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप अरंडी के किसान हैं तो इस समस्या को आप हल्के में ना लें। जी हाँ किसान भाइयों, मैं बात करने जा रहा हूं हरे मच्छरों की। और इस खेती के अंदर अभी जैसे मैं अंदर आया तो मैंने इस पौधे को देखा, तो अगर आप अरंडी के किसान हैं तो अपने यहाँ जो ये पत्ता है ये अभी आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो पत्ता है इस पत्ते को उल्टा करके आप देखिए, अगर उल्टा करके देखने पर अगर आपको इस पर मच्छर नजर आते हैं, विशेष करके जो हरे मच्छर होते हैं, सफेद मक्खी भी होती है, तो उसको आप देखें अगर वो उड़ती हुई नजर आ रही है तो किसान भाइयों आपको इन हरे मच्छरों का और सफेद मक्खी का की रोकथाम करना बहुत ही जरूरी है। किसान भाइयों इससे क्या समस्या आती है, सबसे पहले तो क्या होता है कि जब हरे मच्छर और सफेद मक्खी इस पत्ते के ऊपर आ जाती है तो वो धीरे धीरे क्या होता है कि उनकी संख्या बढ़ने लगती है और एक समय ऐसा आता है कि पूरी फसल के ऊपर हरी मक्खी और सफेद मच्छर इतने हो जाते हैं कि पूरी फसल उसकी चपेट में आ जाती है। और ये मच्छर क्या करते हैं किसान भाइयों कि इस पत्ते के पीछे चिपके हुए रहते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, और पीछे चिपक करके यहाँ वो अपनी एक कॉलोनी बना लेते हैं और कॉलोनी बनाने के बाद में क्या करते हैं इस पत्ते का वो रस को खींचते रहते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, वो रस को खींचते रहते हैं, जिसके कारण से ये पत्ता क्या होता है कि इसके जितने भी जो पोषक तत्व है जो कि इस पौधे ने जमीन से प्राप्त किए हैं वो पोषक तत्व वो इस पूरे पौधे के जो पोषक तत्व होते हैं वो मच्छर खींच लेते हैं, जिसके कारण से ये पत्ता सिकुड़ने लगता है और सिकुड़ करके बिल्कुल ऐसे हो जाता है, यानी कि मुड़ करके कटोरी नुमा हो जाता है, प्याले नुमा हो जाता है और धीरे धीरे ये पत्ता क्या होता है, ये पीला पड़ना शुरू होता है। पीला पड़ते हुए ये बिल्कुल काला पड़ जाता है और काला पड़ने के साथ में ही कहीं ना कहीं जो आपके जो पौधा है वो बीमार हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिसके कारण से इसकी पैदावार पर भी पूरा प्रभाव पड़ता है। और कभी कभी ये जो मच्छर होते हैं ये क्या करते हैं, जैसे ही आपका सिट्टा शुरू होता है तो उसके अंदर जैसे ही ये जो फूल आने शुरू होते हैं तो इन फूलों को भी वो डैमेज कर देते हैं, जिसके कारण से पूरी तरीके से ये फूल विकसित नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण से कहीं ना कहीं डोडी भी कम आती है, सिट्टा भी कमजोर रह जाता है और पौधा भी आपकी कमजोर रह जाता है, जिसके कारण से फुटान कम आती है और पूरी कुल मिलाकर के पैदावार बिल्कुल कम हो जाती है या कई बार शून्य भी हो जाती है। तो किसान भाइयों अगर आप अरंडी के किसान हैं तो इन हरे मच्छरों को, सफेद मक्खी को आप हल्के में ना रहें। अगर आपको थोड़े बहुत भी नजर आते हैं तो आप तुरंत मार्केट में जाएं, मार्केट के अंदर बहुत सारे कीटनाशक मिलते हैं और आप बढ़िया जो अच्छी कंपनी के जो कीटनाशक हैं उनका आप वहां से खरीदें और खरीद करके उनको निर्धारित जो मात्रा है उस मात्रा के अंदर ही अपने यहाँ ला करके उनका स्प्रे करें और हर एक महीने के अंदर आप उसका स्प्रे करते रहें, आप अपनी फसल को चौपट होने से आप बचा सकते हैं और अच्छी से अच्छी आप पैदावार ले सकते हैं। तो किसान भाइयों आज के इस वीडियो के अंदर केवल मैं सफेद मक्खी और उन्हीं के ऊपर चर्चा करने वाला था जो कि मैंने जानकारी आप लोगों तक पहुंचाई। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आने पर आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, किसानों तक शेयर करें कि ताकि उनको इसके बारे में पूरी जानकारी मिले और वो ज्यादा से ज्यादा अच्छी पैदावार ले सके। और किसान भाइयों आप हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे द्वारा जो बनाए गए वीडियो हैं वो आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, क्या ये किसानों के लिए लाभप्रद है
हैं या नहीं है, या आप कैसे वीडियो चाहते हैं, तो उनका आप कमेंट करके जरूर बताएं। और किसान भाइयों, अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं कि ताकि हमारे आने वाले जो वीडियो हैं वो तुरंत आप तक पहुंच सके। किसान भाइयों, आज की इस चर्चा में इतना ही, अगली चर्चा में फिर से मैं एक नई जानकारी लेकर के आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।